बुद्ध धम्माच पचेक बुद्ध संघाच सामिका दासो हमस्मि मे ते सा गुणं तातु सदा। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। आज है वैसाखी पूर्णिमा यानी बुद्ध जयंती। बुद्ध जयंती के अवसर पर यहाँ पर कारले नाम की बौद्ध गुफा है जो कि मड़ौली जो स्टेशन है, मड़ौली स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भारत भर में के, महाराष्ट्र भर में के जो लेनी संवर्धक जो बौद्ध गुफाओं का संरक्षण देने का काम करते हैं वह और सभी सामाजिक राजकीय जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं। और यहाँ पर जो महाबुद्ध वंदना ली जा रही है वो भिक्खु संघ के माध्यम से यहाँ पर महाबुद्ध वंदना ली जा रही है। और ये पहली बार महाराष्ट्र में यहाँ पर इस प्रकार का जो नियोजन है वह किया गया है, तो इसकी जानकारी हम लेंगे और ऊपर आपको दिखाएंगे ये जो महाबुद्ध वंदना है वह किस प्रकार से ली जा रही है। यहाँ पर जो भिक्खु संघ के माध्यम से जो महाबुद्ध वंदना ली जा रही है, इस अवसर पर यहाँ पर अनेकों सामाजिक संगठनाएँ अपने अपने तरफ से यहाँ पर योगदान करते हुए हमें दिखाई दे रही है। इसी में से यहाँ पर एक संगठना है, इनके माध्यम से यहाँ पर पानी यहाँ पर दान दिया जा रहा है लोगों को। सर, आपकी संगठना के बारे में बताएं और क्या आप पानी जो दे रहे हो, ये मतलब पानी के जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो इसके बारे में बताएं। जय भीम की प्रेरणा से कर रहे हैं। जय भीम धम्मदीप मित्र मंडल कान्ने
यांच्या वतीने आणि स्वराज भवानी काळजे मित्रपूर्वकांनी आणि तसे सुशील रोकडे, प्रसाद आगळे, दत्ता शेटोवाळ आणि अक्षय गायकवाड आणि आमचा मित्र परिवार यांच्यातर्फे आम्ही हे सर्व वाटप केलेलं आहे फ्रीमध्ये. देखिए अब इस प्रकार से यहाँ पर पाणी का नियोजन यहाँ पर किया गया क्योंकि बहुत ऊपर जाना पड़ता है ये जो गुफा है देखने के लिए. तर मित्रांनो अशा प्रकारचं या ठिकाणी नियोजन या ठिकाणच्या ज्या सामाजिक संघटना आहेत आणि सामाजिक कार्यकर्ते आपल्याला या महाबुद्ध वंदनेच्या तयारीसाठी लागलेले पाहायला मिळतात. चला वर्ण 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 वर्
यस सर, पुनः कड़ाई क्या फोन के सागर सर को कौन नहीं पहचानता? यस यस यस।